नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे देखिए फायर हाइड्रेशन का यहाँ पे वर्टिकल बार डाल के यार राफ्ट डाल दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह हमारा फायर हाइड्रेशन है जिसमें स्टेजिंग लगाया गया है। मैं इसका देखिए अंदर में स्टेजिंग लगाया गया है। ये वर्टिकल पाइप वर्टिकल जो सरिया है उसको बांधने के लिए यहाँ पे देखिए वर्टिकल खड़ा किया गया है, और इसमें हॉरिजॉन्टल बीच बीच में आपका वायर से इसमें इसको बाइंडिंग किया गया। बाइंडिंग करके स्टेबल करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देखिए, इसका स्टेबल देने के लिए इधर में और 20 mm का सरिया से क्रॉस करके इसको बांधा गया है, ताकि ये आराम से अच्छा से खड़ा रहे, इसलिए यहाँ पे इसको बांधा गया है। जैसा कि ये देखिए हमारा फायर हाइड्रेशन रूम है, और ये जो हमारा है पंप रूम है। इसमें आप देखिए इधर में मोटर लगा के पानी हो गया तो डिवाटरिंग किया जा रहा है। एक उधर बड़ा पंप है, ज़्यादा पानी जमा हो जाता तो उसको डिवाटरिंग किया जाता है। इधर में हमारे लेबर लोग डिस्टेटरिंग कर रहे हैं, डिस्टेटरिंग करके इसका हाउस कीपिंग कर रहे हैं, पूरा मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे पंप रूम में पंप रूम का भी यहाँ पे राफ्ट डल गया है, और इसमें अंदर जाने से मैंने ज़्यादा गड्ढा करने से इसमें पानी जमा हो जा रहा है, जिसके वजह से इसमें पूरा देखिए तीन तीन पंप, दो मोटर लगा हुआ है, एक बड़ा सा पंप उधर में आप देखिए देख लगा के इसका राफ्ट को डाल सब चीज़ हो गया है। और इसका वर्टिकल पाइप जो सरिया है वो खड़ा हो चुका है। अब इसके बाद इसका वाल खड़ा होगा चारों तरफ से, उधर में आपको मैं दिखाऊँगा। और इसके बारे में आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी भी होती है और कुछ न कुछ उसमें टैलेंट भी होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, चाहे आप किस भी फील्ड में चले जाएं, कोई इंसान के अंदर अच्छाई है तो किसी इंसान के अंदर बुराई भी है, और जो इंसान के अंदर अच्छाई है और बुराई नहीं है वो इंसान नहीं है। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई इंसान से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कोई इंसान बहुत कमज़ोर है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसका अगर एक चीज़ कोई चीज़ कमज़ोर हो, किसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि उसका एक चीज़ कमज़ोर हो तो उसका वो चीज़ मजबूत नहीं होगा। और इस दुनिया में, इस जहाँ में लोग जितना अपने दुख से, आपके दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपके सुख से। अगर आप कहीं पर अच्छा कर रहे हो या कुछ अच्छा हो गया तो आपका सुख से बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि जलने वालों को क्या कहेंगे, आपके कामयाबी पर भी वो हंसेंगे और आपके नाकामयाबी पर हंसेंगे। इसलिए सिर्फ आप जब भी काम करें अपना काम करते रहें, दिल में ना अपने लोग ही जख्म देते हैं, चाहे आप जिसको अपने मानते हैं वही आपको जख्म दे देते हैं। इसलिए आप कहें भी रहें, कहीं भी काम करें, सोच के काम करें, समझ के अपने सूझबूझ से काम करें, दुनिया तो बहुत कुछ करती है। इसी के साथ मैं अपनी कुछ लोग इस दिल में इस कदर बस जाते हैं को दिल से निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोग इस दिल में इस कदर बस जाते हैं कि वो दिल से नहीं निकल पाते हैं, और कुछ लोग इस दिल में ही इस कदर जख्म दे जाते हैं वो कभी नहीं भर पाते हैं, वो कभी नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी साइड में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, पूरा अच्छा से काम कीजिए और सही से काम कीजिए। लोग तो इस जहाँ में आपका टांग खींचने के लिए रेडी है, चाहे आप जब भी बढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, तो लोग आपकी बड़ाई कभी नहीं करेंगे, और बड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं किसी का भी। आप अपना काम करते रहिए, सही से काम कीजिए, और कहीं भी किसी भी जगह आप किसी भी साइड पे डर के काम नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप डर गए तो आपका काम ख़त्म। कि आप अगर डरते रहे तो आपको सब दिन डराते रहेंगे। इसलिए आप अपने टैलेंट पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, और किसी के साथ एकदम पूरा अच्छे से बर्ताव करें, और अपना जो टैलेंट है उसको बखूबी दिखाएं। आपका चेहरा का कहें भी महत्व नहीं, आप अपने टैलेंट को देखिए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते रहिए और काम करते रहिए, और किसी से नहीं दबिए। एक न एक दिन आप सफलता जरूर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, किसी का टांग कभी नहीं खींचेगा। अगर हो सकता है तो किसी का काम बनाइए, नहीं तो किसी का काम बिगाड़ने की जरूरत नहीं कीजिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, अगर हो सकता है अपने से किसी का अगर काम बना रहे हो तो उसका, अगर आपसे काम बनने वाला तो उसका काम बना दे, लेकिन किसी का काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, आप इंसान इंसान का बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ऊपर वाला आपके खिलाफ हो गया ना तो दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे का हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए, और एक दूसरे से अच्छा जीवन जीजिए। प्यार व्यवहार, नेचर, कल्चर, ये सब अच्छा बना के रखिए।
सभी के साथ अच्छे से पेश आइए, क्योंकि हर इंसान एक मिडिल फैमिली से उठ कर इस लाइन में आता है। कोई भी इंसान सिविल लाइन में वो बड़ा बड़ा रईस लोग नहीं आ पाते, क्योंकि किसी ने कुछ कम रईस लोगों को कुछ पैसा कम नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए आप ध्यान में रहें, अच्छा से रहें और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।